Hi guys, welcome to my channel Smart Learning Academy. My name is Viren Singh. In this video tutorial, I am going to discuss about the enzymes related problems asked in the CSIR previous year paper, that is 2013 paper. If you don't have idea about the various concepts or definitions related to the enzymes like KM, Vmax, catalytic efficiency or various inhibition kinetics, then please do watch my video on Unacademy related to the enzyme. Okay. Then try to solve these type of questions, otherwise you will face difficulties. You can follow me on Unacademy. The link is unacademy.com/user/viren, or you can join my Facebook group for further updates, and you can post your queries on Facebook. We will try to solve as soon as possible. So let's see those questions. पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो माइकलिस मेंशन से रिलेटेड था. देखते हैं क्या क्वेश्चन है. जस्ट रीड द क्वेश्चन. The Michaelis mentioned enzyme kinetics for a simple reaction involving the enzymes and substrate is given E plus S Km K cat. ठीक है, यहाँ पे confuse मत होइएगा कि Km is K1 और K cat is K2. ठीक है, Km क्या होता है, मैं पहले भी enzyme kinetics में बता चुका हूँ, K-1 plus K2 divided by Km. That is Km is the dissociation divided by association. Km is defined as the dissociation of ES. ठीक है, Km is defined as the dissociation constant of ES. ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, Km, K cat and their relationship के बारे में. Km is the association constant for the ES, गलत है ये. क्यों, क्या है, Km is the dissociation constant. अभी मैंने बताया dissociation constant of the ES complex, Q सही है, यानी B और D में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है. ठीक है, तो K cat जो है is the rate constant for chemical conversion of ES complex. गलत है, K cat is the not rate constant for the chemical conversion. You know the K cat is the property. ठीक है, जो कि जिसको turnover number बोलते हैं. ठीक है, K cat can be calculated with the help of V max. ठीक है, and so R is गलत, R is wrong. Then क्या हो जाएगा, आपका D option गलत होगा. सही क्या होगा, Q and S होगा. S ऑप्शन भी पढ़ लीजिए, K cat by Km is the rate constant that refers to the properties and reaction of the free enzyme and free substrate. ठीक है, K cat and K, आपको पता है K cat and Km is क्या होता है, catalytic efficiency होती है, जो कि क्या refer करती है, वो properties को ही तो बताती है कि कौन सा enzyme कितना efficiently work करेगा free substrate से bind करके. ठीक है, तो क्लियर है Km क्या होता है और K cat क्या होता है, K cat by Km क्या होता है. ठीक है, तो उसी से related एक question है. अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है क्या, के कैट बाई के एम से. अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रीड करिए. द फॉलोइंग स्मॉल सबस्ट्रेट आर यूज्ड टू डिटरमाइनिंग इलास्टेज एक्टिविटी. द फॉलोइंग डेटा हैव बीन रिकॉर्डेड. ठीक है, सबस्ट्रेट की बात करें, ये सबस्ट्रेट है, के एम वैल्यू दिया है, के कैट वैल्यू दिया है. फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द के कैट बाई के एम. कैलकुलेट करिए, 26 डिवाइडेड बाई 4.02 यू विल गेट 6.46, 37 डिवाइडेड बाई 1.5 यू विल गेट 24.5, एंड के कैट 18 डिवाइडेड बाई 0.64 यू विल गेट 28.12. ठीक है, द एरोज इंडिकेट द क्लीवेज साइट फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन. ये जनरल है कि ये एरोज है, क्लीवेज साइट है. तो इस पहला ऑप्शन है PPAF इज डाइजेस्टेड मोर रैपिडली. क्या सही है, हाँ सही है. क्यों, क्योंकि कैटालिटिक इफिशियंसी सबसे ज़्यादा है इस एंजाइम की. ठीक है, इलास्टेज इस पर सबसे ज़्यादा एक्ट कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप, कैटालिटिक इफिशियंसी सबसे ज़्यादा है, 28.12 है. ठीक है, मतलब ये पहला ऑप्शन सही है. और अगर आप पहला सही है तो बाकी अगर ऑप्शंस में मैच करें तो क्या आपको कोई और कहीं पे वन नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन ही सही होगा. ठीक है, क्लियर है. आपको सारे ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं होती कई बार क्वेश्चंस में, आपकी नहीं सारे ऑप्शंस पढ़ो. आप ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स और छोटे छोटे नॉलेज से भी CSIR के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, इसके लिए आपको बहुत वो नहीं चाहिए होता है कि बहुत पहाड़ चाहिए आपको. ठीक है, आप जस्ट उस क्वेश्चंस को देखिए, केयरफुली देखिए, और आपके पास जितना नॉलेज है उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये आप डिपेंड करता है. दिस इज़ द स्मार्ट वे टू सॉल्व द एनी क्वेश्चन. ठीक है, किताबें सबके पास होती हैं लेकिन सब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते. ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आगे देखते हैं. सेकंड
PPAG digested more rapidly गलत है क्योंकि PPF ये है क्योंकि यहाँ पे catalytic efficiency सबसे ज़्यादा है. Third is and a hydrophobic residues at C terminus seems to be favored. C terminus क्या होता है, ये होता है F के साइड में C और P के साइड में N. मैंने आपको बताया था कि N इस साइड में जैसे कि 5' 3' होता है वैसे N C होता है, ठीक है. तो इस साइड में C होगा और इस साइड में 5 होगा. तो दैट मीन्स कि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोफोबिक होता है, तो दैट मीन्स एन हाइड्रोफोबिक फेवर. क्लियर है कॉन्सेप्ट, सही है. फोर्थ है अ स्मॉलर रेजिड्यूज एट सी टर्मिनस सीम्स टू बी फेवर्ड. नो, जैसे कि ज़्यादा जितना लार्ज मॉलिक्यूल है, एफ बड़ा है बाकी ग्लाइसिन और एलेनिन से, इसी तो वो फेवर कर रहा है. सी टर्मिनस पे छोटा मॉलिक्यूल नहीं, बड़ा मॉलिक्यूल लार्जर रेजिड्यू फेवर कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत होगा. फोर. फिफ्थ ऑप्शन देखिए, इलास्टेज ऑलवेज रिक्वायर अ स्मॉलर रेजिड्यूज एट एन टर्मिनस ऑफ द क्लीवेज साइड. यहाँ पे क्या है, पी. पी से क्या होता है आपका, प्रोलीन, ठीक है. तो प्रोलीन जैसे कि स्मॉलर होता है, सर्कुलर होता है, वो एक इम्यूनो एसिड है बट वो स्मॉलर मॉलिक्यूल है, ठीक है. तो वो फेवर करता है जनरली एन टर्मिनस पे इलास्टेज. तो आप देख सकते हो 1 और 3 का कॉम्बिनेशन सिर्फ आपको एक में ही मिल रहा है, ठीक है. तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए क्लियरली. आपको एक दो ऑप्शंस भी अगर क्लियर कट पता है तो आप ऑप्शन ऑड वन आउट करके आप सॉल्व कर सकते हो वैसे क्वेश्चंस को, ठीक है. सो दिस इज़ द आंसर. फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, 1, 3 और 5. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द इनहिबिशन काइनेटिक्स, ठीक है, जो कि CSIR जून 2013 के पार्ट बी में पूछा गया था. अगर आपने इनहिबिशन काइनेटिक्स नहीं पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है. तीन तरीके के इनहिबिशंस मैंने बताए थे रिवर्सिबल इनहिबिशन में, बेसिकली चार तरीके के. कौन कौन से, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव एंड मिक्स्ड, ठीक है. यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, एन एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन वॉज मेजर्ड इन प्रेजेंस एंड ऑब्सेंस ऑफ इनहिबिटर. फॉर अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या, ओनली KM इज इंक्रीज्ड, ओनली Vmax इज डिक्रीज, बोथ KM एंड Vmax आर डिक्रीज्ड एंड बोथ KM एंड Vmax आर नॉट अफेक्टेड. यहाँ पे क्या है कि इनहिबिशन हो रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी चीज़ पे अफेक्ट ना हो, किसी ना किसी पे तो अफेक्ट पड़ रहा होगा, ठीक है. वो क्या है, यहाँ पे देखिए, अगर आपने पढ़ा भी नहीं है इनहिबिशन काइनेटिक्स तो मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे ग्राफ ऐड किया हूँ. ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में KM बढ़ता है, Vmax अनअफेक्टेड होता है. अनकॉम्पिटिटिव में दोनों रिड्यूस होते हैं. कैसे रिड्यूस होते हैं, क्योंकि वो अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं, ठीक है, और सिर्फ ES कॉम्प्लेक्स से बाइंड करते हैं, ठीक है. ये मैं पहले ही इनहिबिशन काइनेटिक्स के लेक्चर वीडियो में बता चुका हूँ. अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, तब आप उसको सॉल्व करिएगा. तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या है, दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है. तो ऑप्शन क्या होगा, बी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द CSIR 2013, ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर. थैंक यू वेरी मच. अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप प्लीज़ पोस्ट करिए या कमेंट करिए क्वेश्चन वीडियो के इनबॉक्स में. थैंक यू वेरी मच.